दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिमांड 2019 टू 2029 यानी कि 10 सालों में 22% प्रेडिक्ट की गई है। ये कई जॉब से बेटर ग्रोथ रेट माना गया है। अगर फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात की जाए तो $250 पर आवर से लेकर $850 का आवरली रेट चार्ज करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए हमने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन, सजेशंस और 3 फ्री कोर्सेज मेंशन किए हैं। ये कोर्सेज गूगल पर बेस्ट फ्री कोर्सेज में से हैं, इसलिए आपको इनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही हमने कुछ यूट्यूब चैनल्स भी सजेस्ट किए हैं जहां से आप इम्पोर्टेंट स्किल्स को सीख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में एंटर करने के लिए काफी लोग हेजिटेट कर जाते हैं क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होता है या उनके पास इस फील्ड में डिग्रीज नहीं होती। लेकिन दोस्तों स्टडीज बताती हैं कि पिछले 1-2 सालों में बहुत कम कंपनीज डिग्रीज और सर्टिफिकेट के बेसिस पर सिलेक्शन कर रही हैं। वो चीजें अब सेकेंडरी हो चुकी हैं। एक रिसर्च से कंक्लूड हुआ है कि हायरिंग प्रोसेस में कंपनीज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर काफी डिफरेंट है और वो है विलिंगनेस टू लर्न। इसका मतलब आप बिना डिग्री के भी अपनी स्किल्स और नॉलेज से अपनी पसंद का जॉब सिक्योर कर सकते हैं। हायरर्स आपका लर्निंग एटीट्यूड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अपग्रेडेशन पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में एक ब्रीफ और वो सारी स्किल्स जो आपको सीखनी होती हैं। Who is a software developer? देखिए, इसे एकदम आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स किसी कंपनी की नीड को समझकर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उन पर वर्क करते हैं। तो बेसिकली उन्हें सिस्टम्स की इफिशियंसी का ध्यान रखना होता है और अच्छे से डिजाइन करना होता है। उन सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस को यूजर फ्रेंडली बनाना और अपडेटेड रखना काफी जरूरी होता है। एंड दैट्स why सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आज बिजनेसेस और कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी डिफरेंट एरियाज होते हैं जो डेवलपर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर एक्सेट्रा। देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर और वेब डेवलपर में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मेनली मोबाइल एंड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि वेब डेवलपर्स ऐसे वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं जो इंटरनेट ब्राउजर में चलें। इनके पे स्केल्स भी एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से वेरी करते हैं। बिगिनर लेवल पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर 4 लाख पर एनम अर्न कर लेता है। थोड़े एक्सपीरियंस के साथ सैलरी 5-7 लाख पर एनम हो जाती है। स्किल्स रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए जरूरी हैं। ये आपने किसी इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड्स के लोगों से सुनी होगी। इससे पहले कि हमारे बिगनर स्किल्स के बारे में सुनकर डीमोटिवेट हो जाएं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या तो फुल्ली या कुछ हद तक सेल्फ ट्रेन्ड ही हैं। इसका मतलब डिग्री के बाद भी मेनली सभी ने सेल्फ टीचिंग ऑप्शन से ही अपने आप को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रेडी किया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। पहली स्किल है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए सबसे मेजर स्किल है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छे तरीके से सीखनी होती हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, HTML, CSS, C++, रूबी एक्सेट्रा। इनमें सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। 49.47% यूसेज है इस लैंग्वेज का एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का नॉलेज। इन स्किल्स से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोडिंग स्किल्स दोनों का पता चलता है, एंड सो ये आजकल कंपनीज की प्रायोरिटाइज्ड स्किल्स में से एक है। इससे रिलेटेड काफी सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और स्किल्स हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज, टेस्टिंग एंड नेटवर्किंग बेसिक्स, डेटाबेसेस एक्सेट्रा। ऑल्सो स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी हैं जैसे लॉजिकल थिंकिंग, गुड कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों ये एक वास्ट फील्ड है जहां हर स्किल में कई सारी बारीकियां होती हैं। ऐसे में जरूरी है एक होलसम कोर्स चूज करना जिससे बिगिनर लेवल पर ये सारी नीडेड स्किल्स आप सीख पाए। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि इन सभी स्किल्स को फ्री में सीखा जा सकता है। तो हमने आपकी हेल्प के लिए कुछ बढ़िया कोर्सेज ढूंढ निकाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज और ऐड कर दूं, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बेरोजगार घर बैठे हो, जॉब सर्च कर रहे हो
लेकिन जॉब मिल नहीं रही है, तो आपके इस प्रॉब्लम को relevel.com सॉल्व कर सकता है। आप relevel के थ्रू इन टॉप 50 प्लस स्टार्टअप्स में अच्छी सैलरी वाला जॉब बहुत जल्दी पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। relevel का जॉब लगवाने का प्रोसेस काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। जिस तरह गूगल सिर्फ आपके राइट स्किल्स, राइट एक्सपीरियंस, आपकी क्रिएटिविटी और पैशन को देखकर बिना डिग्री के भी आपको जॉब दे देता है, ठीक इसी तरह relevel भी यही काम करती है। एक्चुअली relevel पर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जिसमें ये 5 राउंड होंगे। टेस्ट देने के 5 दिन बाद आपका relevel स्कोर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपका relevel स्कोर 700 से ज्यादा है तो आप इस टेस्ट को पास कर देते हो, लेकिन अगर कम है तो दोबारा टेस्ट देकर अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। इस स्कोर के बेस पर कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी। एक और एक कमाल की बात यह है कि टेस्ट देने के बाद अगर आप 700 प्लस स्कोर करके टेस्ट क्वालिफाई कर देते हो तो ये लोग relevel पर आपका एक प्रोफेशनल की तरह का एक पोर्टफोलियो ही बना देते हैं। ये ऐसा पोर्टफोलियो होता है जिससे लिटरली कोई भी कंपनी इम्प्रेस हो सकती है। कुछ कंपनीज तो relevel स्कोर देखकर भी डायरेक्ट हायर कर लेती हैं। करंटली अभी relevel पर ये 3 तरह के टेस्ट चल रहे हैं। आपकी एज मिनिमम 18 ईयर की होनी चाहिए, फ्रेशर हो तो भी चलेगा, यहाँ तक कि 3 साल तक के एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप सिर्फ 10th पास हो, 12th पास हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो या पास आउट फ्रेशर्स हो, किसी भी कॉलेज से पढ़े हो, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। बस जिस भी जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हो उसको करने के लिए आपके पास राइट की स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप टेस्ट पास कर सको। अपनी स्किल्स के दम पर इन टॉप कंपनीज में जॉब पाने के लिए ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ते हैं उन 3 ऐसे बेस्ट फ्री कोर्सेज या कोर्स पैकेजेस की तरफ जो आपको इन स्किल्स में ट्रेन कर सकते हैं। नंबर 1, कोर्सेरा। कोर्सेरा पर वन ऑफ द बेस्ट बिगनर कोर्सेज ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। इसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस और मेथोडोलॉजीज का नॉलेज मिलेगा। ऑल्सो दोस्तों, इस कोर्स से रिलेटेड 4 कोर्सेज सीरीज भी कोर्सेरा पर अवेलेबल है। इसके बाद आप आगे के कोर्सेज भी कंटिन्यू कर पाएंगे अगर आपको ये पसंद आया। आपकी फाउंडेशन सेट करने के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है। इसमें आपको काफी कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी के साथ आगे की प्लानिंग में भी हेल्प होगी। इस कोर्स को 4.7 स्टार्स की रेटिंग्स मिली हैं। आप डेफिनेटली एक बार इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए, शायद दिस कैन गेट यू स्टार्टेड। नंबर 2, कोड एकेडमी। ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में काफी अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। इसमें आपको बेसिक कोर्सेज मिल जाएंगे फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, C#, पाइथन एक्सेट्रा। टेस्टिंग और एप क्रिएशन रिलेटेड कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। इस वेबसाइट पर आपको इंट्रोडक्टरी कोर्सेज और इंटरमीडिएट लेवल कोर्सेज दोनों मिल जाएंगे। तो कोर्स डिस्क्रिप्शन केयरफुली रीड करें एंड जरूर चेक करें कि क्या प्रीरिक्विजिट नॉलेज उस पर्टिकुलर कोर्स में रिक्वायर्ड होगा। आप स्क्रीन पर उनमें से कुछ फ्री कोर्सेज देख सकते हैं। नंबर 3, W3 Schools। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना एक्सपर्टीज बनाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं बल्कि टेक्स्ट और विजुअल्स के फॉर्म में कंटेंट मिलेगा। इनमें आपको काफी इजी लैंग्वेज में कंटेंट देखने मिलेगा, साथ ही एग्जांपल्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से आप इफिशियंटली लर्न कर पाएंगे। इन कोर्सेज में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बिगनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इन कोर्सेज में ट्राई इट योरसेल्फ फीचर भी अवेलेबल है जहां आप खुद उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाएंगे। इस वेबसाइट पर जावास्क्रिप्ट, HTML, पाइथन, CSS और काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। दोस्तों, इन कोर्सेज के अलावा हम आपको कुछ यूट्यूब के लर्निंग सोर्सेज भी सजेस्ट करना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट सजेशन है कोड विद हैरी यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग और अदर स्किल्स के लिए हिंदी में वीडियोस मिल जाएंगे। ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अनदर गुड चैनल इज गेट स्मैशर्स, जहाँ आपको अदर स्किल्स सीखने मिल सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेसेस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्सेट्रा से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। हमारा सजेशन होगा कि आप पहले एक इंट्रोडक्टरी कोर्स कर लें या YouTube पर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लें। YouTube से आप ऑलमोस्ट सारी स्किल्स इजीली सीख पाएंगे अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट, जब आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो जाएं, फिर आप इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लेवल के लेटेस्ट कोर्सेज ज्वाइन करिए। उससे आपकी
स्किल्स और ज्यादा पॉलिश होगी और न्यू ट्रेंड से टच में रहेंगे। तो दोस्तों, अब एक बात तो क्लियर है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। डिग्री और सर्टिफिकेट कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए फीजिबल हो और अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो तो आप इसी फील्ड में एडुकेशन ले सकते हो। अदरवाइज आप शुरू में फ्री सोर्सेज से सीख कर अपना करियर स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। आप बाद में रेप्यूटेड सोर्सेज और इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिगनर्स के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही न्यू फ्री कोर्सेज, वेबिनार्स एक्सेट्रा के बारे में जानने के लिए आप हमारे स्किल्स या टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हम और भी अच्छा कॉन्टेंट लाते रहें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।